नमस्कार दोस्तों, सुरताल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हारमोनियम लेसन्स की सीरीज में ये मेरा 45th लेसन, 45वां लेसन आज पब्लिश होने जा रहा है। आज मैं आपको फास्ट हारमोनियम की जो एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है। अगर आपको हमारे जो पिछले लेसन्स हैं उनको ढूंढने में परेशानी होती है तो सबसे पहले आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं हमारे चैनल पर क्लिक करके, और वहां मैंने अलग अलग कैटेगरी में प्लेलिस्ट बना दी हैं। फास्ट हारमोनियम की अपनी एक अलग कैटेगरी है, वहां पर जाकर के आप उस पहले लेसन को देख सकते हैं, उसके बाद आप इस लेसन को देखें। दोस्तों, जब तक हारमोनियम में फ्लुएंसी ना हो, हारमोनियम तेज ना बजे, फास्ट ना बजे, उसमें रंजकता नहीं आती, वो फील नहीं आती हारमोनियम की। आप सारे सॉन्ग्स को बिना फास्ट हारमोनियम बजाए आप नहीं बजा सकते, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं, बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, टेक्निक्स हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। जो पहली मैंने टेक्निक बताई थी, मुझे आशा है आपने उसका प्रयोग किया होगा और आपको उसका लाभ मिला होगा। आज के लेसन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखें और उन सारी टेक्निक्स को कम से कम 5 से 10 मिनट डेली दें, अलंकारों थाट का रियाज करने के बाद, सॉन्ग्स की प्रैक्टिस करने के बाद इन टेक्निक्स को बजाएं। ये बहुत ही शुरुआती टेक्निक्स है और आपको बहुत मदद करने वाली है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, मैं शुरू करता हूँ C7 के स्केल पे। अगली जो एक्सरसाइज है फास्ट हारमोनियम के लिए, देखिए वो कैसी है। इसमें दोस्तों हमें दो दो स्वरों को लेकर के उन्हें आपस में बजाना है। कैसे, देखें, अभी शुरुआत में आपकी उंगलियां नहीं चलेंगी तो पहले धीरे धीरे बजाएं, सारे 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 सारे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। फिर अगले स्वर में बढ़ जाए, रेगा 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 रेगा, अंगूठे से गा रे, आरोह में बजाएं, उसके बाद अवरोह में भी बजाएं। और सभी थाटों में बजाने का प्रयास करें, जैसे अगर मैं चाहूं कल्याण थाट में, इसमें देखिए चीजें चेंज हो जाती हैं, यहां म अलग हो गया तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी अलग हो जाएगी। ये गमा, तो ये जो फ्लुएंसी है इन्हीं सब टेक्निक्स का उपयोग करने से आएगी, आप फास्ट हारमोनियम बजा पाएंगे। अगली जो टेक्निक है वो तीन तीन स्वरों को लेकर बजाएं। देखें, सारे गरे सारे गरे सारे गरे सारे गरे सारे गरे सारे गरे, तीन सुर ले इसी प्रकार से अवरोह में भी। सभी थाटों में बजाएं, जैसे कल्याण थाट में बजाता हूं मैं। अगर शुरुआत में हाथ नहीं चलते तो आप पहले स्लोली बजाएं, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएं, हाथ को एकदम स्ट्रेट रखें और रिलैक्स मोड पे रखें एकदम, और फिर उसके बाद उंगलियों को भी ज्यादा टाइट नहीं करना है, धीरे धीरे देखें, धीरे ऐसे रखें कि जैसे बस आप इनमें चोट कर रहे हो, बस हल्का सा टच करके हो। Thank you.
तो आप देखेंगे दोस्तों, जब ये सारी एक्सरसाइज आपकी उंगलियों में बैठ जाएंगी तो आपको जो इन थाटों में, इन कॉर्ड्स लगाने में और सारी चीजों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी उंगली अपने आप चलेंगी। तो ये टेक्निक्स बहुत जरूरी है, आगे भी बहुत सारे टेक्निक्स आने वाली, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, तो आप सभी उन्हें देखें। और मैं अब डेली या एक दिन छोड़ करके दो दो लेसन्स डेली पब्लिश करूंगा, तो आप सभी एक क्लास की तरह इसे लें। अगर आपने मुझे अपना गुरु बनाया है तो इसे क्लास की तरह लें और डेली हमारे चैनल पर आए और नई वीडियोस को देखें और सभी लेसन्स का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और हमसे जुड़े रहें और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। और जो भी आपको डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे उसके द्वारा जुड़ सकते हैं। मैं पर्सनलाइज सेशंस भी देता हूँ, कुछ जिन्हें उसकी ज़रूरत महसूस होती है वो मुझसे ले सकते हैं। मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के साथ साथ हारमोनियम की भी शिक्षा देता हूँ। आगे भी आने वाले लेसन्स में मैं आप सभी को क्लासिकल म्यूज़िक सिखाने जा रहा हूँ। ये बेसिक्स लेसन चल रहे हैं, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ क्लासिकल म्यूज़िक के लिए। तो दोस्तों जुड़े रहें हमसे और जो भी लेसन्स मैं देता हूँ उनको, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें।